हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और पीछे आप हाईवे देख के समझ गए होंगे कि मैं वापस हूँ एक रोड ट्रिप पे, और उज्जैन जा रहे हैं जयपुर से। तो 510 किलोमीटर्स का ये रास्ता रहने वाला है, 9 घंटे का ETA था। ये इंट्रो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं कोटा के पास आने के बाद, लगभग 150-200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। और 3 दिन का 4 दिन का एक्चुअली ऐसा प्लान है, जैसे पता है महाकालेश्वर मंदिर है, जैसे शिव जी का, देन वहाँ पे ओमकारेश्वर है इंदौर से 90 किलोमीटर दूर, तो ओमकारेश्वर की भी एक ड्राइव हो जाएगी। पहली बार मैं पहाड़, एग्जैक्टली पहाड़ नहीं कहूँगा मैं उसे, बट हाँ एलिवेशन है। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2 ईयर्स आई विल बी ड्राइविंग दिस कार इन दोस बेंट्स, एयरपिन बेंट्स तो नहीं है, मतलब नॉर्मल। और ठीक है, मैंने सोचा कि एक 3-4 दिन का एक लगातार ट्राई करते हैं कि ऐसे 2-3 दिन लगातार अगर व्लॉग डाल पाए। तो वो होता है ना, जब कहीं जाके आते हो तो आपको पूछते हैं कि कैसा रहा ट्रिप तुम्हारा, तो कैसा रहा ट्रिप मेरा। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, मैं अपने लिए भी एक तरह से डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ये पूरा जो ट्रैवल व्लॉग रहता है। Music licensing reimagined. वीडियोस की लेंथ जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिफरेंस भी आए, चीज़ों में वैरायटी आए, कि ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ एक ही शॉट चले जा रहे और आदमी वीडियो बंद करके चले जाए, एंगेजमेंट कैसे आएगी, ये तो बात है, सारा खेल ही उसका है ना। तो अभी तो ये मैंने इंट्रो एक शूट कर लिया, फिर उसके बाद मैं आपको लगेज की स्थिति दिखाऊंगा, पीछे जो डिक्की में हमने सामान भर रखा है। जब हम मारुति से ट्रैवल करते थे तो मारुति के अंदर भी सामान भरा रहता, तब हमें लगता था यार डिक्की थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। आज इकोस्पोर्ट की डिक्की 400 समथिंग लीटर है, जितना स्पेस है, बूट स्पेस है, मोर देन इनफ है, लेकिन ये भी पूरी भरी रहती है। मेरे को लगता है शायद हम लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, अगर हम हिलक्स भी ले लेते हैं तो उसका डाला भी भरा ही रहने वाला है। तो टाइम हो रहा है, डेट भी मैंने बताई आज है 22 तारीख, और लगेज की स्थिति जैसे मैंने बताया, मैं बोल रहा हूँ डिलक्स नहीं, अगर हमारे पास Artlist IO
राइट नाउ इज 6:42 और 6:15 पहुंच गए थे 9:30 चल के सुबह. और द डे वन इज नॉट एंडेड येट. मैं इस बार ट्रैवल मतलब सिर्फ रोड ट्रिप्स के अलावा थोड़ा सा एक जनरल वे में कवर करने की कोशिश करूंगा. वो अलग बात है कितना कवर किया जाएगा कितना नहीं ये नहीं पता. अभी बारिश बहुत बढ़िया हो रही है उज्जैन में. फिलहाल एंटर करे तब तक सब एकदम मौसम एकदम साफ था. यहाँ पे बहुत बढ़िया बारिश हो गई तो रात को कितना कैमरा लेके जा पाऊँ कितना नहीं, बट हाँ डे वन मैं एंड करूँगा और कोशिश करेंगे आने वाले जो दो दिन हैं वो थोड़े और क्रिस्प हों, वो व्लॉग थोड़े से बेटर बन पाए. तो ये थी समरी, मिलते हैं अगले फ्रेम में. सीधे 7:15 से सीधा 9:45 हो चुके हैं और मैंने कुछ नहीं किया, मतलब फ़ोन नहीं लेके गया. एक्चुअली नहीं लेके गया ये मेरे तरफ से एक बहुत सही डिसीजन था. मेरे को रीज़न नंबर वन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, रीज़न नंबर टू बहुत केओस है, मतलब वहाँ पे अलाउड नहीं है कायदे से. और ये जो सोशल मीडिया का ये जो कीड़ा है ना लोगों के अंदर, वो टिपिकल वो वाली चीज़ें जो चल रही हैं वो मेरे को इतनी इरिटेट कर रही थी कि मैं वो आदमी नहीं बनना चाहता था जो प्रेमाइसिस में लेके और यू बोलो हेलो गाइज मैं मंदिर घुस चुका हूँ. तो दैट्स व्हाई मैंने फ़ोन नहीं लिया. और दर्शन हो चुके, टाइम लगा लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे की वेटिंग थी और बारिश की वजह से भीग भी गए थोड़े, बट ठीक है इट वॉज ग्रेट. पूरा दिन आज का समराइज हो गया. सुबह चले थे 10:30, 9:30 और रात के 9:30, पूरे 12 घंटे हो चुके. एंड अब मैं ये डे वन का कंक्लूड कर रहा हूँ एंड हियर द डे टू डे वन एंड्स और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.